करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 15 फरवरी 2024 थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बड़ुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है 104.66। कल के दिन में हमने एक नैरो रेंज के बीच में डॉलर इंडेक्स को मूव करते हुए देखे हैं विद एन इंट्राडे हाई ऑफ 104.98 एंड लो ऑफ 65। अभी हमें देखना है क्या ये कल के हाई के ऊपर आवर्ली बेसिस पे सस्टेन करते हैं। इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स 106 से 106.50 के तरफ। जीबीपी डॉलर कल के दिन में आपका एक रेंज बाउंड मूव हुआ है 1.2611 ऑन द हायर साइड एंड 1.2535 ऑन द लोअर साइड, इसके बीच में मूव किया है। उससे पहले जो आपका ट्यूजडे का सीपीआई डेटा, यूएस सीपीआई डेटा खराब आने के बाद ये जो हम देख रहे थे 1.26 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल, वो ना होते हुए रेदर ये नीचे की तरफ आ चुका था एंड स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया था। कल के दिन में एक फॉलो थ्रू भी आया है। सो अभी ये जो स्विंग लो है 1.25 इसके तरफ टेस्ट करने का एक प्रोबेबिलिटीज है। और आज के दिन में आपका जीडीपी डेटा भी है यूके का, उसके बाद देखते हैं क्या आते हैं। जीबीपी आईएनआर जो है आपका करेंटली 104.35। कल के दिन में इंट्राडे हाई 104.77 से एंड विथ अ लो ऑफ 104.09 एक डाउनवर्ड प्रेशर देखा गया विद प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। दैट बीइंग द केस ये जो आपका 5th फरवरी का लो है दैट 104.0510 इट इज गोइंग टू बी क्रूशियल वन। क्या ये इजीली इस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं या कंसोलिडेट करते हैं। यूरो डॉलर कल के दिन में बेस आउट किया एट द लोअर एंड फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 1.0695, इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.0735 एंड currently it is at 1.0729। ये base out at the low bottom level पे करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी काफी weakness है euro dollar, so that being the case, sell optics may be considered। euro INR कल के दिन में एक pin bar बनाया हुआ है at a bottom, so it's a reversal signal, लेकिन आज के दिन में एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, सो दैट एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। क्या ये होता है या कल के जो लो है उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर येन कल के दिन में परसों का जो हाई था 150.88 एंड कल के दिन में 150.78, करेंटली इट इज 150.25। बेसिकली ये जो जोन है आपका स्ट्रॉन्ग मीन्स सेलिंग जोन है, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे बीओजे इज नॉट कंफर्टेबल अबव 150, सो ऑल्सो ये 151-152 और भी ज्यादा मीन्स अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, लेकिन अभी तक बीओजे के तरफ से कुछ दिखा नहीं है, मीन्स इतना अच्छा कुछ मीन्स इंटरवेंशन कुछ दिखा नहीं है, सो वी नीड टू बी अलर्ट एंड वॉचफुल। INR यही जो सपोर्ट लेवल है 55 के आसपास कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली लोअर लेवल पे हम लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करने का सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें डबल रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करना पड़ेगा ऑन द हायर साइड, समथिंग लाइक दिस, एक रेजिस्टेंस बनाएगा फिर उसको तोड़ेगा, फिर एक रेजिस्टेंस बनाएगा उसको तोड़ेगा, इन सच केस हमें लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। डॉलर कैंडी 1.3540, ये जो हमारा ऊपर की तरफ 1.35075 एंड ऑन द लोअर साइड 1.3350, इसके जस्ट अपर एंड पे अटके हुए हैं डॉलर कैंडी कंसोलिडेट के। अभी हमें देखना क्या यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन करके नीचे की तरफ आते हैं या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं। ऑसी डॉलर में कल बॉटम लेवल से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा गया एंड अप मूव देखा गया, करेंटली इट इज एट 6487। इतना सेलिंग आने के बाद फ्रॉम योर 28th of December हाई व्हिच इज 0.6870 से 0.6450, अच्छा खासा एक डाउन मूव देखा गया है। अभी
कंसोलिडेशन करने के बाद क्या ये बाइंग फॉर्मेशंस बनाते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर भी से डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का इंतजार होगा बाइंग के लिए। CNH CNH 7.216 PBOC is carefully means maneuvering the exchange rate. So, but यहाँ पे जो आपका इसका टारगेट है वो 7.25 का एंड 7.29 का होना चाहिए था, लेकिन PBOC is not letting CNH to टच दोज एरियाज। एनीवे हम इसको वॉचफुल रखेंगे बिकॉज डॉलर रुपी में इसका हमारा एप्लीकेशंस आएंगे। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर कल के दिन में एक इंट्राडे हाई बनाया आपका 83.78 एंड क्लोज्ड एट 82.64 एंड आज के दिन में एक नीचे की तरफ आ रहा है। सो ये जो कैंडल है, ये तीन कैंडल का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज समथिंग लाइक योर इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार लोकेशन एट ए रेजिस्टेंस लेवल, प्रीवियस रेजिस्टेंस। सो आज के दिन में अगर ये रेड कैंडल कंटिन्यू होते हैं, सो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो जाएगा। इन सच केस वी कैन लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी कल के दिन में आफ्टर हिटिंग ए मीन्स रिसेंट स्विंग हाई ऑफ 4.33 करेंटली ए 4.22 पे चल रहे हैं। ये जो रेजिस्टेंस जोन था 4.30 का, इसमें एज ऑफ नाउ रेस्पेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन द केस थोड़ा सा सॉफ्ट होने का प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन नीचे की तरफ अगेन 4.12 से 4.17 का एक सपोर्ट हम देख रहे हैं। यूएस टू ईयर ट्रेजरी ये भी आफ्टर हिटिंग एन हाई ऑफ 4.67 ऑन ट्यूजडे आफ्टर यूएस सीपीआई डेटा, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है पिछले दो दिन में, अभी 4.556 है। सो नीचे की तरफ जब आ रहा है, पहले का जो रेजिस्टेंस था, इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट। सो ये जो आपका 4.45 4.48 का है, ये आपका एक सपोर्ट की तरफ काम करना चाहिए। अभी आते हैं डॉलर रुपी। डॉलर रुपी में क्या है, ये कंसोलिडेशंस कर रहे हैं। कल के दिन में 83.1011 का हाई ट्रेड किया था, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को देखोगे, इसको आपको टैकल कर नहीं पा रहा है डॉलर रुपी, क्योंकि सेलिंग में काफी प्रेशर्स है। इतना सेलिंग प्रेशर्स के कारण डॉलर रुपी शुड हैव एप्रिशिएटेड टुवर्ड्स 82.00 टू 82.50, बट नीचे के तरफ इनविजिबल हैंड्स आर प्रोटेक्टिंग सो और डिफेंडिंग। दैट बीइंग द केस यहाँ पे ट्रेडर्स का कोई गेम नहीं है। सो क्या करना है, सो नैरो रेंज के अंदर में ही 90 एंड 15 के बीच में ही, 82.90 एंड 83.15 के बीच में ही हमें प्ले अराउंड करना चाहिए। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।